पर रेखे ने बहुत काम कर लिया। देखो कितने सालों से ऐसी कम तैसी कर रहे हैं हम अपनी देख। देखो अब तक क्या हुआ। आप जनाब भाई जनाब उनके पैर चाटेंगे। यहाँ तो मिनिस्टर लोग आते हैं उनके अपने घर में लाइन लेके जाते हैं। ऐसे नहीं है, एक आदमी ये जमाल साहब के घर कैसे पानी आ रहा है, क्यों आ रहा है? मेन लाइन से टोला में घूमता है, पेट्रोल आ गया, लेकिन लेकिन टैंकर नहीं चलवा सकता बेचारा। सोहेल तैयब साहब मेरी बात हुई है बाकायदा, वहाँ की ना कुछ भी नहीं करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे भाई, क्या कराएंगे? गटर खोलते हैं तो 500,000 रुपए हम लोग अपनी जेब से देते हैं। ये डिपार्टमेंट से ही कोई अपने दिल में ये बात देके नहीं आए कि सायमा हमारी है या फलाना दूसरे जो डिपार्टमेंट वो है। हमारा पूरा शादमान हमारे अपने लोग हैं। ये इनके जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह ताला उसको फौरी तौर के ऊपर हल करने की कोशिश करेंगे। उसमें साइन करें, लिख के दें। आपको श्योरिटी चाहिए? आपको श्योरिटी देने के लिए तैयार है हजरत? आप इस चीज पे ना है, आपको श्योरिटी दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जो हमने आप लोग जो चीज आपसे कह के जाएंगे इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट कराएंगे। अच्छा शुक्रिया, जो वादे आप करके जा रहे हैं ना वो आपको करना होगा, वरना अल्लाह के पकड़ोगे आपको इंशाल्लाह ताला। मैं यहाँ पे मौजूद तमाम ही कि वो अज़रा ही करम विशिष्टों पर तशरीफ़ रख लें। यहाँ मौजूद तमाम मौजूद मेहमानों की गिरामी से मैं इंतहाई पुरखलूस अंदाज में ये मुल्तमिस हूँ कि वो अज़रा ही करम विशिष्टों पर तशरीफ़ रख लें और यहाँ पर बारी बारी जो भी आए उन सबको मौका दिया जाएगा, सबको अपने सवाल यहाँ पर मौजूद सवाल वाला है उनके सामने पेश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शहजाद साहब से मुल्तमिस हूँ, शहजाद साहब का ताल्लुक रखता हूँ। अब्बास भाई हजरत को इधर ले आइए, हम इनकी कंप्लेन भी लेंगे और डीसी साहब तक ये कंप्लेन भी पहुंचाएंगे। ये हजरत को इधर ले आइए, बड़े साहब को इधर ले आए, इनकी कंप्लेन रिसीव करके हम आला हुक्काम तक पहुंचाएंगे क्योंकि इनकी कंप्लेन जायज है बिल्कुल। आपको कुछ भी नहीं देंगे, अभी तो आप कह रहे हैं। अच्छा अच्छा लाइए, अच्छा आपका पानी का मसला है ना जी। हमारी लाइन यहाँ तक 1.5 लाख रुपए खर्च करके ये स्कूल तक आई है, पानी यहाँ तक कोने तक आता है, आगे क्यों नहीं आता? क्या हुआ जो पानी क्यों नहीं जाता? मैं अपने इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग से मुल्तमिस हूँ कि अज़रा ही करम आप नशिस्तों पे तशरीफ रखें। नहीं भाई पूरे शादमान कर ना, मैं अपने मोहतरम बुजुर्ग से मुल्तमिस हूँ कि वो महफिल के अल्को तकद्दस को पामाल ना करें, महफिल के अल्को तकद्दस को पामाल ना करें। आपसे बड़ी गुजारिश है, आपसे बड़ी मेहरबानी होगी, मुल्तमिस हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ रखें। ये कह रहा हूँ सरप्राइज होता है तो आप करेंगे ठीक है ना, लेकिन जो आता है ना टैंकर वो पानी वो कचरा उठाने वाला कैप्चर, उसके साथ भंगी ही नहीं होता। अगर भंगी होते हैं तो 10-10 एक एक गली में लगे हुए, क्यों भाई? आप दूसरे इलाके में जाओ एक भंगी होता है पूरी जगह को साफ करता है, यहाँ 10 भंगी होते हैं क्यों? और दूसरी बात ये, दूसरे शहरों में चले जाओ, वहाँ सीवरेज लाइन बिस्ती है ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ ये गटर क्यों बढ़ती है। वहाँ पे जो है सेवरी लाइन जब बिस्ती है तो उसके ऊपर एक जाल लगा होता है, वो गटर लाइन नीचे होती है, जो कचरा जाता है वो जाल में जाके फंस जाता है, वो कुंडी में नहाए उसको साफ करे और चला गया। यहाँ तो हम सब हमारे लिए सारे अफसर है 22 ग्रेड के, हम सलाम करते हैं उनको, आज पे जोड़ते पैसे भी जेब से देते हैं, इतनी आमदनी कहाँ से आएगी हम लोगों के पास, कहाँ से आएगी, हम कहाँ से देंगे? दूसरी बात यह है हमारे यहाँ के वाटर बोर्ड वाले कहते हैं हम पानी खरीद नहीं सकते, मैं एक टैंकर बड़ी मुश्किल से खरीदता हूँ। सुहेल तैयब साहब कह रहे हैं एक चैन, हम तो भंगी लोग हैं, हम कहाँ से टैंकर खरीदेंगे? उनके पास करोड़ों गाड़ी के लिए पेट्रोल है, उनके लिए गैस है, उनको बिला वजह गवर्नमेंट पैसा दे रही है। अरे भाई अरबों रुपए हम लोग टैक्स देते हैं, अरबों एक एक रुपए से भी पानी का बिल अगर देखा जाए तो अरबों रुपए पहुंच जाता है, कहाँ जाता है ये पैसा ठीक है।